भारत में जीवा आयुर्वेदा, आयुर्वेद की प्राचीन और सैद्धांतिक चिकित्सा प्रणाली के आधार पर इलाज उपलब्ध करवाने वाला एक प्रसिद्ध संस्थान है। पिछले 25 वर्षों में जीवा आयुर्वेद की यही विशेषता न सिर्फ उसे विश्व में ख्याति प्रदान कर रही है, बल्कि लोग प्राचीन आयुर्वेद के प्राकृतिक गुणों का लाभ लेकर बना रहे हैं जीवन को निरोगी, सुखी और संपन्न। जीवा संस्थान में है प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम, जो लोगों की जरूरतों के मद्देनजर उनको न सिर्फ गाइड करती है बल्कि उन्हें इलाज भी उपलब्ध करवाती है। आज जीवा हेल्थ शो में जीवा आयुर्वेद के संस्थापक आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान रूबरू होंगे आपसे। नमस्कार, मैं प्रताप चौहान आपका स्वागत करता हूं इस हेल्थ शो में जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में बात करने से पहले एक मैं रियल स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। एक रियल स्टोरी, एक मेरे मित्र थे, एक मित्र के मित्र मतलब मेरे फ्रेंड के कोई दूसरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया एक दिन। तो उसने कहा कि मैं बड़ा थका थका रहता हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है मुझे, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। मैंने उसको थोड़ा सा कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे, जैसे हम बताते हैं, आप लोग देखते हैं मेरा शो, उसमें हम आयुर्वेदिक नुस्खे बताते हैं, मैंने उसको कुछ ऐसे जनरल नुस्खा बताया। दो हफ्ते के बाद उसका फिर से फोन आ जाता है, कहते जी आपने जो नुस्खा बताया था वो मैंने किया, कुछ हुआ नहीं मुझे, कुछ आराम नहीं आया उसे, अभी भी शरीर में बड़ा थकावट रहता है। तो मैंने कहा चलो अच्छा, कुछ हमारा जानकार है, दोस्त है, मैंने कहा आप एक बार आ जाइए, लगता है आपको थोड़ा प्रॉपर चेकअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आ गया। अब जब वो आ गया मेरे पास, जैसे ही वो आया तो उसको देखते ही मुझे समझ आ गया उसका क्या प्रॉब्लम। मैं दिखाता हूं आपको उसका प्रॉब्लम, ये मेरे पास है उसका एक निशानी। तो ये जो बेल्ट है, अब इसको मैं दिखाता हूं आपको, ये कैसी बेल्ट है, एक ये विशेष बेल्ट है, बहुत खास बेल्ट। तो चलता ही जा रहा है, मेरे हाइट जैसा है लगता है। ये देखिए, ये बेल्ट है, इसका साइज अगर देखें थोड़ा। आपका क्या नाम है? जीतू। जीतू आप आएंगे इधर प्लीज, एक बार आइए इधर आइए। आप बेल्ट तो लगाते हैं, आपका क्या साइज है बेल्ट का? 30। वेरी गुड, स्लिम एंड फिट है। जरा ये बेल्ट लगाइए, ये जरा मुझे दे दो एक बार, आप जरा पूरा पूरा साइज देखो इसका। ये तो ये साइज कितना साइज होगा? ये होगा 60 कुछ। 60 आपका कितना है? 30। तो देखिए जरा अच्छी तरह, 60 तो नहीं होगा, 60 नहीं होगा, कितना होगा? 40 50 कुछ तो होगा, 50 के करीब होगा। इतना साइज अगर आपका होगा तो कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? आप चाहते हैं मोटा होना? नहीं नहीं, ऐसा सही है, बिल्कुल नहीं। आपको मैं कुछ देता हूं, आपने अपने आप को मेंटेन किया, आई गिव यू सम गिफ्ट फ्रॉम जीवा साइड। जीवा के प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी एनर्जी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज आइए। तो आपने देखा कि ये जो बेल्ट की हम बात कर रहे थे, जो हमारे ये महाशय जी थे, अगर आप देखें गौर से देखें तो इनका बेल्ट में यहां पर ये मार्क दिख रहा है आपको, इसके बाद ये यहां पहुंचा, इसके बाद ये यहां पहुंचा, फिर यहां बढ़ता ही चला गया। तो ये जो है, जैसे जैसे बेल्ट का साइज बढ़ा, इसका मतलब उनका मोटापा बढ़ता चला गया। अगर आपकी बेल्ट का साइज है ये, तो आपकी लाइफ का साइज हो जाएगा ये, और अगर आपकी बेल्ट का साइज हो इतना जैसा कि जीतू जी का है, तो आपका लाइफ स्पैन हो जाएगा इतना। यही आज का हमारा गुरु मंत्र है, ईट लेस लिव लॉन्गर। यस, अगर बेल्ट साइज कम, लाइफ लॉन्ग, यानी कि अगर आप कम खाएंगे तो आपका जीवन लंबा होगा। क्या है हमारा गुरु मंत्र आज का? ईट लेस लिव लॉन्गर। ईट लेस लिव लॉन्गर, वेरी गुड। अगर हम इधर आ जाएं, हमारी सुपर मशीन है, आपने भोजन खाया वो पेट में गया, तो वो यहीं तक सीमित नहीं है, पेट में जाने के बाद फिर अपने लिवर को काम करना पड़ता है, आपके पेट के अंदर जो है एंजाइम्स होते हैं, पाचन का काम शुरू होता है, उसके बाद आंतों को काम करना पड़ता है, फिर आपके हार्ट को काम करना पड़ता है, फिर आपकी किडनीज को काम करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जिसके ऊपर वर्कलोड कम होगा
उसमें एनर्जी ज्यादा रहती है, ज्यादा लंबे समय तक वो काम कर सकता है। तो ये गुरु मंत्र अभी आपको समझ आ गया, हमारा गुरु मंत्र क्या है? ईट लेस, बिल्कुल समझ आया? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। सर मेरा एक प्रश्न है जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इकबाल है सर। इकबाल बताइए जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर जैसे कि आमतौर पर हमें भूख लगती है, हाँ जी, तो हम लोग खाते हैं। अच्छा। और तब तक खाते रहते जब तक हमारा पेट नहीं भरता है जी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने आज ज्यादा खा लिया है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दो तरह की एपिटाइट हमारी होती है। एक एपिटाइट होती है हमारे पेट में जो भूख लगती है। पेट की भूख का मतलब है कि आपके पेट से आवाज आएगी, आपको जो है बेचैनी हो जाएगी, बहुत तेज भूख। एक होती है मेंटल एपिटाइट, जब खाना हम खाते हैं तो खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं, नहीं तो व्हाट्सएप तो जरूर करते हैं, कुछ लोग मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, माइंड कहीं और है, तो फिर आप ज्यादा खाई जाएंगे क्योंकि आपका माइंड तो ऑर्डर करेगा नहीं आपको रोकने के लिए। यदि आप भोजन करते समय शांत मन से भोजन करेंगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा नहीं खा सकते, ओवर ईटिंग होगी नहीं। तो ये आपको समझ आया? समझ आ गया, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा भी है, आप अगर इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, शांत मन से खाना खाइए। जब आप खाना खा रहे हैं तो एक कभी कभार डकार आती है, बर्फ आती है, वो एक ऑटोमेटिक सिग्नल है, बस बंद करो और नहीं खाना ज्यादा। जी आपका क्या नाम है आपका? सर आनंद श्रीवास्तव। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। सर उससे पहले मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी। और मेरे मम्मी पापा आपसे इलाज भी करवा चुके हैं। अच्छा। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा कि जाकर आज जो है शो में जाओ तुम। अच्छा सर, तो क्या प्रश्न आपका पूछिए। सर खाने से बात हो रही है जी। कभी कभी ऐसा होता है कि सर जैसे मैं कम खाऊं किसी दिन या छूट जाए मेरा खाना। अच्छा। सुबह का या दोपहर का, तो मुझे कमजोरी लगने लगती है, तो क्या मतलब कम खाने, अगर आप कहें कम खाओ तो आयु बढ़ेगी, लेकिन कम खाएंगे तो कमजोरी भी तो बढ़ेगी ना सर? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इधर आइए जरा मेरे पास आइए प्लीज। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में भी ये प्रश्न हो, बड़ा जेन्युइन प्रश्न है कि अगर कम खाएंगे तो कमजोरी नहीं आएगी क्या? क्योंकि खाने से हमने कहा शक्ति मिलती है, तो कम खाने से तो कमजोरी आनी चाहिए। तो आपके प्रश्न का मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन आपसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे पास कुछ है इधर, यहाँ पर काफी मजबूत है, मुझे मालूम था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए मैंने एक स्पेशल यंत्र बना के रखा है। आपने देखा होगा कई बार लोग ये कांवड़ लेते हैं ना, कांवड़ लेके, तो ये कांवड़ हमने एक स्पेशल बनाया है, इसलिए मैंने रखा हुआ था कि ये प्रश्न जरूर आएगा। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा कि इसको थोड़ा आप लेके, कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही? इस कंधा बदल सकते हैं? कंधा बदल सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको जब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, अभी तो ठीक लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। तो देखिए हमने कहा कि ये जो कम खाने से एनर्जी आएगी नहीं आएगी, ये जरा हम थोड़ा देखना चाहेंगे, लेकिन अभी एक फोन कॉल ले लें, फोन हमारा बज रहा है। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जीवा हेल्थ शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नाम जय गोपाल है। जय गोपाल। हाँ, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। अच्छा। मेरा प्रश्न ये है, मेरे को मेरा नेजल जो नाक जो है वो ब्लॉक हो जाता है, बहुत पुराना क्रॉनिक है। अच्छा। सारा दिन मेरा म्यूकस के कारण मेरा नाक बंद होता है, तो मैंने आयुर्वेदिक भी किया है, वो क्या कहते हैं एलोपैथिक भी, बहुत कुछ मैंने दवाइयां बहुत खा ली हैं, लेकिन देखिए इसमें जो है ना, मैं आपको बताऊं कि कभी कभार क्या होता है कि नाक में जो बलगम आता है जी, उसका कनेक्शन पेट से होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं कि जिनका नाक ब्लॉक है, साइनोसाइटिस उसको डॉक्टर लोग बोल देते हैं, या नाक की हड्डी बड़ी हुई है, लेकिन उसका मूल कारण है कि खाना जो आप खा रहे हैं, अगर खाना पचेगा नहीं ठीक से तो वो आम बनता है। आम हम आयुर्वेद में कहते हैं चिकना पदार्थ बनता है, और वो आम जो है अल्टीमेटली ट्रेवल करता है बॉडी में, और कुछ लोगों को वो नाक के एरिया में, गले के एरिया में जाके जम जाता है, तो नाक बंद होती है। तो एक तो आपको अपना खाना जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है, हल्का खाना खाएं, और खाना पूर्ण रूप से पचना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ, ये आप शुरू करिए, इससे दोनों फायदे होंगे, बलगम भी आपका जाएगा और आपका जो भोजन का जो पाचन है वो भी ठीक होगा। तीन चीजें हैं, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, आसानी से मिल जाएंगी, आपके किचन में भी होंगी। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेके और एक चूर्ण बना लीजिए, और ये चूर्ण जो बनेगा, इस चूर्ण का मिक्सचर बना करके
और आपको एक चम्मच सवेरे एक चम्मच शाम को गर्म पानी से लेना है, ठीक है। एक महीना इसको सेवन करिए, उसके बाद हमारा जो नंबर है 01294040404 जो हमारा सेहत का नंबर है, उस पर कॉल करके आप अपना हालचाल बताएं। अगर कुछ और आवश्यकता होगी तो फिर आपका आयुर्वेदिक उपचार भी हम जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन जीवा हेल्थ शो। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब। सेहत का नंबर 01294040404। आप प्रोग्राम के दौरान में कभी भी अपनी किसी भी समस्या के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन करके जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं। याद रखिए, सेहत का नंबर है 01294040404। कैसा लग रहा आपको? रख दूं सर। रखना चाहते हैं? थक गए? जी सर, दर्द होने लगा। अच्छा रखिए, एक मिनट इधर रखिए। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जी सर, थोड़ा सा। फीलिंग गुड? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा था मेरे से कि अगर कम खाएंगे तो कमजोरी होती है, लेकिन आपने ये क्या था अभी, आप जरा देख के बताएं क्या है उसमें। थोड़ा देखिए, स्मेल करके देखिए क्या है। घी। घी है। घी यानी के चर्बी है। चर्बी आपने जो है, कितनी चर्बी है अगर आप इसको काउंट करेंगे, ये 2 किलो है, ये 2 किलो है, ये 2 और ये 2, 8 8 किलो। 8 किलो। तो अब जरा मैं एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एक मेरे पास ये वेइंग स्केल है वजन नापने के लिए, जानते हैं जी? कभी जाते हैं इसके ऊपर? जी कभी कभी, कभी कभी, ये अक्सर जाते हैं। अच्छा जरा खड़े हो जाइए इस पर। कितना है दिखा आपको? जी बताना चाहेंगे? नहीं कोई बात नहीं, नहीं हम नहीं बताना चाहते। आपको मालूम है कितना आपका जो हाइट कितना है? 5 फीट 8 इंच। तो उसके अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए, उससे कितना ज्यादा है? लगभग सर 20-22 किलो। तो 22 किलो, बहुत बढ़िया। देखिए इसने काफी मेहनत की है, इनके लिए थोड़ी तालियां बजाओ। देखिए 22 किलो आपकी जो चर्बी है बॉडी में, उसको लेकर के आप घूमते हैं रोज, उसी के लेकर के आप सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, जो सब उसी के साथ करते हैं। ये 8 किलो आपने कितनी देर रखा? 3 मिनट मुश्किल से। मैं फोन कर रहा था, जब फोन पर बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि आप बहुत अनकंफर्टेबल, आप भी बदल रहे हैं, कंधा चेंज कर रहे हैं, पैर इधर कर रहे हैं, तो 8 किलो में इतनी प्रॉब्लम है, 22 किलो लेकर के आप घूम रहे हैं हर रोज। अगर ये 22 किलो मान लो आपका कम हो जाए तो एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? सर स्मार्ट भी हो जाएंगे और एनर्जी भी आएगी। आ जाएगी सर। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि कम खाने से आपका ये जो एक्स्ट्रा फैट जाएगा उससे एनर्जी बढ़ेगी और आपकी लाइफ भी लंबी होगी। समझ आया? जी सर। आपको मैं कुछ देना भी चाहूंगा, आप आए हैं, बहुत मेहनत इन्होंने की है, तो आपको मैं ये जीवा का एक गिफ्ट देना चाहूंगा। आपको मैं अगर बताऊं इसमें तो देखिए, इसमें एक जीवा की स्लिम टी है आपके लिए विशेष। अगर आप इसको पियेंगे सुबह शाम तो कुछ आपका वजन 15-20 दिन में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ में जो है ये मंत्र जरूर याद रखना है आपको, ईट लेस लिव लॉन्गर। ईट लेस लिव लॉन्गर, हाँ उस पर जरूर ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो हमने समझ लिया कि जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है बॉडी का वो किस तरह से हमें कमजोर करता है, और कमजोर नहीं करता, हमारी आयु को भी कम करता है। सुबह जब आप उठते हैं, सुबह उठ करके एक गिलास गर्म पानी लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ें और थोड़ा सा चाहो तो शहद मिला लीजिए। ये आपको अर्ली मॉर्निंग उठते ही आप ले लीजिए एक गिलास ही, चाहे तो 2 गिलास भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी। ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप भीगे हुए बादाम जो रात को सोक करते हैं वो ले सकते हैं, ओट्स का दलिया ले सकते हैं, ओट्स की इडली बना करके ले सकते हैं, और ज्यादा आप नॉर्थ इंडिया में लोग रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, चपाती भी आप ले सकते हैं। लेकिन सारी चीजें नहीं लेनी है, इनमें से चूज कर लीजिए आप। बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच, बीच में भूख लगती है, एक सेब खा लीजिए या कोई और फ्रूट सीजनल ले सकते हैं। लंच टाइम में आपको लेना है वेजिटेबल, दाल, राइस, चपाती, छाछ, बढ़िया लंच, टेस्टी। लंच और डिनर के बीच में फिर आफ्टरनून में थोड़ा सा जो एनर्जी लो होती है वहां पर आपको चाहिए फिर कोई ड्रिंक अच्छी रहती है, एक आयुर्वेदिक चाय आप ले सकते हैं।
कोई हर्बल टी आप ले सकते हैं, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। डिनर जल्दी खा लीजिए, सोने से कम ढाई तीन घंटा पहले डिनर खा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें आपको क्या लेना है, अगेन बहुत अच्छा रहेगा कि मिक्स्ड वेजिटेबल, जो सीजनल वेजिटेबल है उसको मिक्स करके बॉयल कर लीजिए, या वेजिटेबल्स का सूप बना लीजिए, एक आध चपाती भी आप साथ में ले सकते हैं। डिनर थोड़ा हल्का रखना चाहिए, उसमें अगर चाहें आप तो खिचड़ी बहुत अच्छा रहता है, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बना लीजिए। तो ये थी आज की हमारी होम रेमेडी। ये जो हमने आज का विषय लिया, क्या विषय था हमारा आज का, ईट लेस लिव लॉन्गर। ये जो हमारा गुरु मंत्र था ये शायद आपको अभी याद रहेगा, और इसको जो है थोड़ा याद करना है, रोज रोज याद करके उसको प्रैक्टिस भी करना है। लेकिन इसके अलावा जीवा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 01294040404। आपकी सेहत की वेबसाइट है www.jeeva.com। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jeeva.com। तो यहाँ पर आप लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको ले जाएंगे जीवा की पाठशाला में। आप कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू जीवा हेल्थ शो, और आज हमारा विषय है ईट लेस लिव लॉन्गर। यस, आपको गुरु मंत्र याद हो गया हमारा, ईट लेस और वेरी गुड। तो आज आपको हम बताएंगे किस प्रकार से कम खाने से लंबी आयु हो सकती है, और यही है हमारा विषय आज का जीवा की पाठशाला का। देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये कम खाने से आयु कैसे बढ़ सकती है। देखिए, गाड़ी में आप पेट्रोल क्यों डालते हैं, इसलिए थोड़ी डालते हैं कि टेस्टी है, या आपने अगर टैंक फुल कर लिया गाड़ी का और आप जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, आपको 400 किलोमीटर जाना है, टैंक फुल कर लिया, अगर 20 किलोमीटर पर एक दूसरा पेट्रोल पंप आता है तो थोड़ी के थोड़ा सा और डाल लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। लेकिन हम ये टैंक फुल कर लेते हैं, आधा घंटे बाद कुछ दिखा टेबल पर पड़ा है या किसी ने कुछ दिया, अंदर डाल लेते हैं। इसको आयुर्वेद में हम बोलते हैं प्रज्ञापराध, बुद्धि का दुरुपयोग। आपको समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है। देखिये, जो भोजन हम खाते हैं वो किस लिए खाते हैं, ये हमारे जो कितने सारे मशीनरी है अंदर, इसको पेट्रोल चाहिए, इसको ईंधन चाहिए, इसके लिए हम खाना खाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप खाना खाएंगे वो आपका ये जो पेट है ना, ये स्टमक जो है उसमें ही जाता है, उतना ही खा सकते हैं जितना इसमें फिट होगा। और इसके साथ साथ हमारा ये पूरा पाचन संस्थान, जिसको कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, तो जो हमारा पाचन संस्थान है वो भोजन को पचाता है। तो अगर हमारा भोजन जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो पूरा खाना पचेगा नहीं। तो आपको दो नुकसान हुए ज्यादा खाने से, एक तो आपके धातु नहीं बनेंगे, दूसरा आपको जो है टॉक्सिक मटेरियल, पॉइजनस मटेरियल जिसको आम बोलते हैं, वो आपके शरीर में बन जाएगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, खाना जो है उचित मात्रा में खाएंगे तो आपके धातु भी पूर्ण रूप से बनेंगे, शक्ति भी रहेगी, एनर्जी भी रहेगी और आम नहीं बनेगा। तो ये थी आज की हमारी जीवा की पाठशाला। तो ये है हमारा आज का गुरु मंत्र, ईट लेस लिव लॉन्ग। और आपको समझ आया, आज के हमारे जीव हेल्थ शो के एपिसोड में बस इतना ही। अगले शो में आपसे फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर के, और आपको बताएंगे आयुर्वेद के मूल मंत्र, और आपको बताएंगे किस प्रकार से आयुर्वेद के इन मूल मंत्रों को आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करके अपने आप को बना सकते हैं सुखी और स्वस्थ। आज के लिए इतना ही, मैं प्रताप चौहान आपसे इजाजत लूंगा और मिलूंगा जीवा हेल्थ शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।